कड़ी सुरक्षा के बीच गृह मंत्री अमित शाह जो है नवादा के लिए रवाना हो चुके हैं। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं किस तरीके से पटना एयरपोर्ट पर स्टेट हैंगर में सुरक्षा जो है काफी चाक चौबंद है। आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार 3 जिलों में घटनाएं हुई हैं और 2 समुदाय के बीच रामनवमी को लेकर जो बवाल हुआ है उसको लेकर एक जो है कार्यक्रम रद्द कर दिया गया, कई कार्यक्रम में उनके बदलाव किए गए। वहीं आपको बता दें कि जो है सासाराम का कार्यक्रम रद्द हुआ और फिर पटना के बीजेपी दफ्तर का कार्यक्रम रद्द हुआ और अब सीधा रवाना जो है वो नवादा के लिए वो उड़ान भर चुके हैं। जो गृह मंत्री अमित शाह उनके साथ तमाम जो बीजेपी के दिग्गज नेता हैं बिहार के वो उनके साथ हैं और कार्यक्रम में शामिल होंगे नवादा में और जनता को संबोधित करेंगे, रैली करेंगे और उसके बाद जो है कार्यक्रम जब वहां से ख़त्म होगा तो सीधे पटना आएंगे और पटना से फिर वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो ऐसे में आपको बता दें जो उनके कई कार्यक्रम थे उसमें बदलाव किए गए क्योंकि जिस तरीके से घटनाएँ हुई हैं और घटना जो है वहाँ पर दुर्भाग्यपूर्ण हुई और लगातार जिस तरीके से कई गाड़ियों को आग के हवाले किया गया, बमबारी हुई, गोलीबारी हुई और कई लोग उसमें घायल हुए, जिसके वजह से वहाँ पर जिस तरीके से खबरें आई प्रशासन की तरफ से 144 लगाया गया, लेकिन बाद में ये खबरें आई कि सासाराम में 144 नहीं लगा हुआ, लेकिन बीजेपी ने इसकी पुष्टि की है आधिकारिक तौर पर और सीधे तौर पर कहा है कि जो वहाँ के प्रशासन है वो अनाउंसमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं और साफ तौर से कह भी रहे हैं कि 144 लगा हुआ है। इस वक्त पटना एयरपोर्ट पर स्टेट हैंगर में सिटी एसपी, एएसपी और तमाम जो डीएसपी लॉ ऑर्डर हैं, तमाम आला अधिकारी मौजूद हैं और कड़ी सुरक्षा के बीच जो है गृह मंत्री अमित शाह रवाना हो चुके हैं नवादा के लिए। तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि उनकी कारकेट जो है वो यहाँ से गुजरी है और सीधे तौर पर स्टेट हैंगर में अंदर में मौजूद है और तमाम बीजेपी के जो दिग्गज नेता हैं वो उनके साथ हैं, उनके गाड़ी में मौजूद हैं और कड़ी सुरक्षा के बीच जो है लगातार पटना में भी सुरक्षा चाक चौबंद कर दिए गए हैं क्योंकि जिस तरीके से घटनाएँ घटी हैं उसको लेकर खास तौर पर सुरक्षा चाक चौबंद है। हर चौक चौराहे और पटना के तमाम जगहों पर पुलिस की बल की तैनाती कर दी गई है। कई 10 पुलिस बल की बटालियन की जो है वो जो है नवादा के लिए रवाना हो चुके हैं, सासाराम के लिए रवाना हो चुके हैं। तो ऐसे में आपको बता दें कि कड़ी सुरक्षा के बीच जो है अमित शाह यहां से उड़ान भर चुके हैं और वो नवादा इस वक्त जाने वाले हैं और उनका रैली है और रैली में जो है संबोधित करेंगे जनता को कार्यक्रम में। और वहीं आपको बता दें कि कई जो है संबोधन में वो सरकार पर भी निशाना साध सकते हैं क्योंकि उनके कार्यक्रम रद्द हुए हैं जिसके वजह से वो काफ़ी जो है अपनी बातों को रखेंगे जनता के बीच की, बताएंगे कि आखिर सरकार की कहीं ना कहीं कमियाँ हैं जिसको लेकर ये कार्यक्रम हमारा रद्द हुआ है। लेकिन आपको बता दें कि जो बिहार के लॉ ऑर्डर है उस पर सवाल उठा रहे हैं बीजेपी के लोग। तो ऐसे में आपको बता दें कि कहीं ना कहीं बीजेपी के तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो आज नवादा में जनसभा को जब संबोधित करेंगे, रैली करेंगे, तब उस वक्त जो है सरकार को घेरने का काम करेंगे और जो बिहार की जो वस्तु स्थिति है वो जनता के सामने रखेंगे। तो ऐसे में आपको बता दें कि 2024 है, 2024 में लोकसभा का चुनाव है और चुनाव को मद्देनजर देखते हुए अमित शाह का 6 महीने में चौथा दौरा है और चौथा दौरा में जो है कई कार्यक्रम जो है उनके रद्द कर दिए गए हैं। तो इस वक्त पटना के स्टेट हैंगर से जो तस्वीरें आ रही है वो कड़ी सुरक्षा के बीच जो है गृह मंत्री अमित शाह यहां से उड़ान भर चुके हैं और अब कुछ ही देर में नवादा में जब रैली करेंगे तो वो भी हम तस्वीरें आपसे साझा करेंगे। हम अपने सहयोगी विशाल भरद्वाज के साथ बने रहे देश न्यूज के लिए और देखते रहे। आशीर्वाद इजी कॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे नंबरों पर संपर्क।